जशपुर जिले की पुलिस ने गौ तस्करी के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गौ तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। थाना कासाबेल की डोकड़ा चौकी पुलिस ने ट्रक से तस्करी कर रहे अभियुक्त मोहम्मद रहमान अंसारी निवासी लहुंजोरा जिला गुमला झारखंड को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह को बुधवार की सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि वह कुछ लोग ट्रक में भारी मात्रा में गौवंश को लेकर बाराकुमा से तस्करी करते हुए रांची झारखंड की ओर जशपुर जिले से होते हुए जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल थाना प्रभारी कांसाबेल, निरीक्षक गौरव पांडे एवं चौकी प्रभारी डोकड़ा एवं निरीक्षक अशोक यादव के नेतृत्व में अलग अलग टीम गठित कर नेशनल हाईवे 43 में नाकाबंदी करने हेतु रवाना किया गया। टीम ने ग्राम ढूडरू ढांड कोसा नर्सरी में जाकर नाकाबंदी की। इस दौरान पत्थल गांव की ओर से ट्रक आता दिखा। इसके चालक ने पुलिस को देखकर ट्रक को खड़ी कर दिया एवं उसमें सवार लोग भागने भी लगे। भागने के दौरान पुलिस टीम द्वारा दौड़ाकर मोहम्मद रहमान अंसारी को अभिरक्षा में ले लिया गया। भागने से मोहम्मद रहमान अंसारी के पैर पर चोटें आई है। पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन ने कहा कि जशपुर जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों को गौ तस्करी की सूचना एवं अन्य अवैध गतिविधियों की शिकायत मिलने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। कोई भी अवैध गतिविधियों की सूचना सीधे एसपी को दे सकते हैं। जसपुर पुलिस के द्वारा पशु तस्करी के विरुद्ध जो लगातार अभियान चल रहा है उसके तहत कल दोकड़ा पुलिस चौकी में रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक तस्करों के द्वारा लाया जा रहा है। उस सूचना पर पुलिस की एक टीम बना के भेजी गई थी और घेराबंदी करके ट्रक को रोका गया। उसमें से तीन जो आरोपी थे उसमें से दो फरार हो गए और एक जो है ट्रक से कूदा तो उसको पैर में चोट भी आई और पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया। पकड़ने के पश्चात उसके खिलाफ भी अपराध कायम किया जा रहा है, साथ ही ट्रक का मालिक उसको भी इसमें आरोपी बनाया जा रहा है। और चूंकि लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इससे लोग जो है जशपुर के लोग भी काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। इसी तहत दुलदुला थाना क्षेत्र में भी कल ग्रामीणों के द्वारा तस्करों को जो पशु को लेके जा रहे थे उनसे पूछताछ किया गया तो वहाँ भी 8 मवेशियों को जब्त किया गया है और उनके खिलाफ़ भी अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो अभियान चल रहा है ये लगातार इस अभियान को हम जारी रखेंगे।